हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं लिविंग इन 100 रुपीज़ चैलेंज, वो भी 24 आवर्स के लिए। तो इसमें जो है हम लोग को स्नैक्स भी खाना होगा, डिनर भी करना होगा, लंच भी करना होगा और साथ में ब्रेकफास्ट भी करना होगा। ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने 500 रुपीज़ वाला चैलेंज किया था, वो जो है काफ़ी ज़्यादा आसान था, दोस्तों के साथ हमने खाया था। बट 100 रुपीज़ में मेरे को जो है आज पूरा दिन सर्वाइव करना है। तो देखते हैं, मुंबई में ये चीज़ जो है मेरे को लगता है कि थोड़ा टफ भी होगा और थोड़ा आसान भी होगा, कि मुंबई में जो है हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक लोग रहते हैं, तो हर लोगों के अलग अलग खाना मिलता है यहाँ पर। तो चलो गाइस, चलते हैं चैलेंज को जो है स्टार्ट करते हैं। रॉकेट खड़ी है हमारी, लेते और निकलते हैं। अगले 24 घंटे जो है 100 रुपीज़ में जीना है हमें, तो चलो चलते हैं फिर। तो गाइस, सबसे पहले जो है शुरुआत होती है लोगों की चाय से, और मेरे को ऐसा है कि चाय मिली भी तो ठीक है, नहीं मिली भी तो ठीक है, बट कुछ समय पहले कुछ ऐसा था कि भाई मेरे को चाय के बिना होता ही नहीं था, मतलब मॉर्निंग में जो है मेरे को टी चाहिए चाहिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले आए चाय पीने के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे चाय कितने की मिलेगी हमको। चाय दो ना, चाय कितने की है? 10 वाला दे दो ना चाय। हाँ, 10 वाला दे दो। 10 कितना हो गया? 20। तो गाइज, हमने जो है चाय दी 10 रुपये की, एंड ये दिया हमने 6 रुपये का, एंड लड्डू मिला हमको 4 रुपये का। तो लड्डू मैंने इसके लिए दिया क्योंकि महफूज मेरे साथ है, तो क्या मैं मुँह मीठा कराऊँगा। मंगनी इसकी ही हुई थी, बट मुँह मीठा मैं करवा रहा हूँ इसका। लोग देखो, हम लोग भी जो है ऑफिस वगैरह में जाते हैं ना, तो हम लोग भी उसके बाहर है ना, हमारे शाम का टी ब्रेक है ना, कुछ इसी तरीके से करते हैं। चाय बाकी बढ़िया है, हमारा आज का ब्रेकफास्ट तो ऐसे होना है। तो अगर हमको 100 रुपीज़ में पूरा दिन जीना है, निकालना है हमको मुंबई में, तो हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो भाई, हमारा बैलेंस बचा है अभी 80 रुपीज़, क्योंकि 20 रुपीज़ यहाँ पे खर्चा हो गए। अभी देखते हैं 80 रुपीज़ में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई चलो, अभी फटाफट से मैं जो है चाय पीता हूँ, एंड आपको मिलता हूँ सीधा लंच के टाइम पर। चलो, अभी जो है लंच करने का टाइम हो गया, एंड लंच करने के लिए हम लोग निकले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, वैसे मेरे को कुछ समझ में आ रहा नहीं है क्या हमें क्या खाना चाहिए। देखो, वड़ा पाव से भी लोग लंच कर लेते हैं, बट हमें जो है प्रॉपर खाना खाना है। मतलब प्रॉपर खाना बोले तो जिसमें भाजी वगैरह भी हो, साथ में थोड़ा सा राइस भी मिल जाए, और यहाँ पे थाल वगैरह भी मिलती है। वैसे मैंने देखा हूँ क्या ऑटो वाले लोग भी खाते हैं। अभी मुझे एक रेडी के बारे में पता चला, जो बंदा यहाँ पे रेडी लगाता है हमारे टावर के आगे, और जितने भी लेबर वगैरह है जो यहाँ पे काम करते हैं, उन लोग जाके वहाँ पे खाते हैं। तो वहीं जाके देखते हैं वैसे क्या मिलता है उनके पास। एक जगह मिली है अभी, देखते हैं। हाँ, यहाँ बैठ के खाएंगे यार। तो हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 3 बज गया है ना, 3 बजे तो ख़त्म हो जाता ना सब। इससे पहले यहाँ पे और भी 2-3 स्टॉल लगते हैं, जहाँ पे ऑटो वाले एंड जोमेटो वाले वगैरह जो है आगे यहाँ पे सब खाना खाते हैं, जितने भी डिलीवरी बॉय वगैरह हैं। तो अभी हम लोग खाने में पूरी खा रहे हैं, ये भाजी है, दाल है और थोड़ा सा राइस है। और मुझे कितना रहता है तुम्हारी प्लेट का प्राइस, कितना रहता है? 40 इसका, पूरी भाजी का 30, राइस प्लेट का 40। अच्छा, और मेरे को जो है पूरी रहेगा, चावल रहेगा, दाल। मैं जो है आखिरी लास्ट में आया हूँ, तो मेरे को डिस्काउंट मिला है 20 रुपये में दिए। टेस्ट तो अच्छा है, भाजी नहीं है, भाजी का ग्रेवी बचा हुआ है। भाजी होता तो और मज़ा आती थी, और बढ़िया लगता था। ये आपको चाहिए क्या? क्या है? प्याज का, गंदा का है। चार सौ ज़्यादा। जितने भी ऑटो वाले वगैरह देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर खाना है, सिल्वर ओक्स करके यहाँ पे एक क्लब है, उसके सामने ही भाई लगाते हैं हम, तो यहाँ पे आके खा सकते हो आप। मतलब सस्ते में अच्छा, अगर आपको लंच वगैरह करना है। कितने बजे थे सुबह? 8 बजे से लेके भाई बोल रहे हैं 4 बजे तक का चालू रहता है। मतलब 20 रुपये का भाजी अलग लेके जाता है, और चावल लेके आया और रोटी लेके आता है, खाली भाजी तक से लेके जाता है। इसके लिए आज माल जल्दी खा। तो 8 बजे से लेके 4 बजे तक आके यहाँ पे कभी भी खा सकते हो आप। और खाना ऐसा नहीं है कि आपको अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज रहेगा, खाना बहुत टेस्टी है। जैसे ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी मेरे को, पूरी भी अच्छी है, रोज चेंज ही रहता है, पूरी भी सॉफ्ट है, रोज चेंज रहता है, अलग अलग डिश रहती है क्या? कभी रहता है लाल चना, कभी रहता है वाइट चना, कभी हरा मटाना, कभी मूंग, कभी वो मसूर आता है, वो ऐसा रोज चेंज। तो मतलब अलग अलग डिश भी मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे आने। ग्रेवी मेरे को अच्छी लगी भाई, ग्रेवी बहुत अच्छी है, बढ़िया है, अच्छा है ना। तो अभी जो है मैं इसको फटाफट से ख़त्म करता हूँ। तो गाइस, हमारा जो है मस्त पेट भर के जो है खाना तो हो चुका है। अभी भैया को पैसे देंगे, भाई को हम लोग दे रहे हैं 20 रुपये। तो मॉर्निंग में 20 रुपीज़ खर्चा किए थे और अभी हम लोग ने 20 रुपये खर्चा किए, तो हमारे पास टोटल अभी बैलेंस बचा है
60 रुपीज़, तो 60 रुपये में जो है अभी अपने को आगे का सफ़र कंप्लीट करना पड़ेगा। तो थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने खाना खिलाया और लोगों की ऐसी सेवा कर रहे हो, मतलब सही है। 30 रुपये में काप आपको पेट भर के खाना मिलेगा, अपने को तो डिस्काउंट मिला बिकॉज हम लोग जो है एंड में आए। तो गाइस अभी हो गया शाम का टाइम और हम लोग आए हैं माधुनी के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे जो है पेटीज खाने वाले हैं हम। तो वड़ा पाव और पेटीज ऐसी डिश है ना कि हर कोई जो है चलते फिरते यहाँ पे खाता है मुंबई में। वड़ा पाव तो नहीं खाने वाले हैं, मैंने मंगाया एक पेटीज जो कि हमें मिल जाता है 15 रुपये। वैसे इस चैलेंज में मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज 100 रुपीज में हम लोग अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। यहाँ पे आ गई हमारी पेटीज, तो देखो कुछ ऐसी होती है, इसके अंदर जो है वड़े वाली स्टफिंग होती है यहाँ पे बटाटे वाली। तो गाइस अभी फिलहाल हमने 2 पेटीज मंगाए, एक मेरा है और एक है महफूज का। तो महफूज इसका पैसा खुद पे करने वाला है बिकॉज हमारा चल रहा है चैलेंज और हमारे जो है 15 रुपीज इसमें खर्चा हो गया। मुंबई में शाम में भाई यही सब चीज़ें खाते हैं लोग, ये खाते हैं कचौरी खाते हैं एंड पानी पूरी वगैरह खाते हैं, रगड़ा पेटीज खाते हैं। मज़ा आ गया भाई। तो गाइस हमारा जो है स्नैक्स वगैरह खा के हो गया, तो अभी जाते हैं हम लोग डिनर की तरफ। 45 रुपीज़ हमारे पास बचा है, 60 था उसमें से 15 रुपये गया, 45 रुपीज़ अभी बचा है हमारे पास, तो देखते हैं हम लोग 45 रुपीज़ में यहाँ पे क्या खाते हैं। तो अभी डिनर की तरफ जाते हैं एंड देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या खाएंगे। अगर सस्ते में है कुछ खाना तो मजाड़ के एरिए में माधुनी में ज़रूर आना। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या खाओ भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे चिकन बिरयानी 45 रुपीज़, चिकन पुलाव 45 रुपीज़, सब हाफ का प्राइस है वैसे, और मटन बुना 40 रुपया, मटन पुलाव 35 रुपया, कबाब 5 रुपये, मतलब सारी चीज़ें रीजनेबल है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई क्या खाओ। तो गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है एंड हमने मंगाया यहाँ पे दाल एंड यहाँ पे बिरयानी की राइस मंगाया, कितने हो गए पता है 20 रुपये के, 20 रुपीज़ में। मतलब कैन यू इमेजिन क्या लोग यहाँ पे 20 रुपये में दाल चावल पेट भर के रात में खा के घर पे आके सो सकते हैं। और यहाँ पे देखो ककड़ी वगैरह भी दे रहे हैं लोग 20 रुपये में, आपको क्या चाहिए यार, मतलब अच्छा क्वालिटी फूड भी आपको मिल सकता है और ये भी क्वालिटी फूड ही है भाई, इंसान खा सकते हैं। भाई मेरे को बिरयानी और दाल चावल का टेस्ट दोनों का आ रहा है, क्योंकि बिरयानी वाली राइस है और दाल फ्राई भी अच्छी है। आज तो भाई मेरा पेट भर के डिनर होने वाला है, क्या बोलते हैं महफूज, पेट भर के खाना हो जाएगा। जितने लोअर क्लास मिडिल क्लास लोग हैं ना सब लोगों के लिए बेस्ट है, मतलब हमारे जैसे जितने लोग। तो चलो फटाफट से मैं जो है यहाँ पे इसे खा लेता हूँ। तो गाइस हमारे साथ एक सीन हुआ कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए, 20 रुपये में खाली उसने दाल बोला था और 20 रुपये में चावल, मतलब 40 रुपये का आया दोनों, और 45 रुपीज़ हमारे पास थे तो हमने जो है 40 रुपये का अभी खाना खा लिया, अभी बचे 5 रुपये। अब 5 रुपये क्या करूँ मैं, 5 रुपये का तो मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ से सीधा घर जा रहा हूँ, 5 रुपये मैं किसी को दे दूँगा रास्ते में। तो गाइस फाइनली जो है मैं आ चुका हूँ अपने घर पर एंड आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि हमने जो है 100 रुपीज़ वाला चैलेंज लिया था एंड हमने जो है उसे 95 रुपीज़ में ही कंप्लीट कर दिया। लास्ट में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी बिकॉज दाल जो है 20 रुपये की थी, राइस जो है 20 रुपये का था, बट हमने दोनों 20 समझा, बट हमारा हो गया 40 रुपीज़ एंड हमारे पास जो थे 45 रुपीज़ थे, बट हमारे पास 5 रुपये अभी बच गए। मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा ये वाला चैलेंज करके एंड ऐसे और चैलेंज अगर आपको देखना है और आपके माइंड में कोई सजेशन होगा मेरे लिए, कोई भी आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज़ ये वाला भी वीडियो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था अपनी लास्ट वाली वीडियो पे, तो मैंने ये वाला वीडियो बनाया। बस गाइस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं बनाता रहूँगा एंड काफ़ी ज़्यादा हम लोग चैलेंज करने वाले। मैंने इस चैनल को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोचा है क्या कैसे हम लोग चैलेंजेस करेंगे एंड बहुत सारे मतलब चैलेंज वगैरह करने वाले, मज़ा आने वाला है, मतलब यूनिक यूनिक कंटेंट करने वाला हूँ मैं। तो मिलते हैं नए और एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, तो जब तक के लिए बाय।